Yogi. Why I... Yeah. Oh. योगेश ईश्वरलाल पटेल, उम्र 25-26 साल, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नामक नगर। अरे क्या यार, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हर बार योगेश ईश्वरलाल पटेल, उम्र 25-26 साल, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नामक नगर में एमबीए नामक अभ्यासक्रम में लीन है और 15 दिन की छुट्टी लेकर भारत आया हुआ है। मेरे ख्याल से इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, इसमें समय बहुत चला जाता है। अब ये भी कोई बात हुई कि हर बार मैं आपको यही बताता हूँ कि योगेश ईश्वरलाल पटेल, उम्र 25-26 साल, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नामक नगर में एमबीए नामक अभ्यासक्रम में लीन है। ये बातें तो आप पहले से ही जानते हैं ना, इसलिए इस बार समय बचाने के लिए योगेश ईश्वरलाल पटेल की मुलाकात एक नहीं दो दो लड़कियों से होगी, यानी रिश्ते ही रिश्ते। Yogi, how are you, Yogi? How are you, kids? Oh, I'm fine. Good. Yogi, meet my cousin, Mamta. Hi. Hi. Yogesh Patel, Y.I. Patel. प्यार से लोग मुझे योगी कहते हैं। Why don't we go on the cook? नहीं नहीं ऐसा करिए, आप लोग चलिए रूम की तरफ। I'll see you guys later. No, but listen, I'll see you later. I'll see you later. Come on, honey. Come, please. Ah, not bad. Yeah. Have a seat. Yeah, thank you. So? Oh yeah, of course, yes. What will you have? Tea, coffee or something soft? मैं soft drinks नहीं लेती। Oh, तो? German beer या French wine? Dry straight. Oh. और ये सब मैं नहीं लेता, you know? Yeah? Yeah. You must be joking. No, no. Hmm? Honestly, yeah. Yeah. अच्छा ये बताइए मेरी उम्र क्या होगी? Oh, come on, ladies की उम्र बताना, you know. बताइए बताइए। No. Well, I'm 23. You must be kidding. No. No, you look 17. Thank you. Yeah. Well, मेरी फोटोग्राफ्स देखेंगे आप? Oh, sure. How's this? Gorgeous. This? Beautiful. Look at this. How's this? Superb. See this? How's this? Oh, this is, I like it. Thank you, thank you. Yeah. And this, and this, and this, and this. One sec. मैं आपको लाइव करके बताती हूँ। या? Very nice. Super. Very nice. Gorgeous. Thank you. Yeah. How's this? Beautiful. Really? Oh, thank you. You're very beautiful, you know that? Beautician का course तो किया मैंने। आप शिकागो में रहते हैं, right? Right, right. शिकागो में किस जगह? Okay, you know, Sunnyside and Kimball and the next block and then. Oh! क्या हुआ?
वही तो मेरे अंकल भी रहते हैं। Don't tell me. Oh, yeah. तुम आप गई हैं वहाँ पे? नहीं गई तो नहीं मैं वहाँ, लेकिन यहाँ रहते हुए मुझे शिकागो के हर रोड का मालूम है। uh-huh. यानी ये कि शिकागो में जाऊँ तो एक दिन में एडजस्ट हो जाऊँ। कंप्यूटर की स्टडी की है मैंने, प्रोग्रामिंग और आ जाए तो जॉब फट से मिल जाएगा। Sure thing. और अमेरिका में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करे तभी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? राइट। वैसे यहाँ रहते हुए भी लॉन्ड्री और वैक्यूम क्लीनिंग, शॉपिंग वॉपिंग में मैं चैंपियन हूँ। अमेजिंग। क्या नहीं आता है तुम्हें? बस ड्राइविंग ही नहीं आती। ओह ओह। पर कहते हैं हस्बैंड सिखाए तो जल्दी आ जाती है, तुम्हें ही सिखाना होगा। ओह या श्योर श्योर श्योर। लेकिन हमने अभी वो मैरिज का डिसाइड नहीं किया है ना। तो क्या हुआ, वहाँ लोग ऐसे भी तो रहते हैं बगैर मैरिज के एक साथ, राइट? राइट। ऐसे केसेस हैं अमेरिका में? तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप बोलिए। एक्सक्यूज मी, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल, यू नो? हाँ, आप अकेली क्यों नहीं चली जाती अमेरिका? आपको तो मालूम है ना इंडियंस कितने नैरो माइंडेड होते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। अगर आप हेल्प कर दे तो। मैं कैसे? आपको सिर्फ उनसे ये कहना है कि मैं आपको पसंद हूँ और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, बस। लेकिन ओके, वो मेरी असली वाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ? यानी अगर आप उससे शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ? और अगर किसी और से करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे तो सिर्फ अमेरिका जाना है। ओ या? ओ या। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? Don't touch me. अगर अमेरिका ले जाने का वादा करते हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। राइट। अगर हाँ डिसाइड करते हो तो फोन करके बुला लेना, मैं फिर से आ जाऊंगी, और अगर ना तो गुड बाय। बाय बाय। कर्क राशि में जन्मी कन्या आजन्म प्रेमिका होती है। कर्क का स्वामी चंद्र इसे तन मन से चंचल बनाता है। उसमें पुरुष मात्र को सम्मोहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। मन वचन कर्म से इस नाजुक ललना को पाता है कोई विरला पुण्यशाली। उसे पाने वाला पुरुष धन्य है। उसके स्नेह को संतोष देने की खूबी ना हो ऐसे पुरुष को इस कन्या से राखी बनवा लेनी चाहिए। मगनलाल, सिविल हॉस्पिटल चलो जल्दी। क्या बात है योगेश भाई, तबीयत तो बरोबर है ना? अभी तो ठीक है लेकिन पांच मिनट में नहीं पहुंचे तो खराब हो जाएगी। क्विक क्विक चलो। सच क्या? हाँ। अर्जेंट केस है, आप अपना घड़ियाल देखो। योगेश भाई आप घबराइए नहीं, ये लीजिए। ये क्या है? अरे योगेश भाई इसे नहीं पहचानते, अब उनका पासपोर्ट है। वो तो मैं जानता हूँ लेकिन तुम सामने देखे गाड़ी चलाओ। अपन आप देखो तो सही असली है कि नकली। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन तुम जरा ऐसे चलाओ। कितना मिनट और है? हा? 3 मिनट। बस 30 मिनट अपन पहुंचा है ना। 1 2 3 योगेश भाई। तुमने तो मरवा दिया आज। पन अपुन ठीक टाइम पे पहुंचा ना। योगेश भाई अपुन खाली पीली फोकट में अमेरिका जाने को नहीं बोलता क्या? ठीक है ठीक है। डॉक्टर है? डॉक्टर डॉक्टर है? अरे मेरा नंबर है। हाँ मालूम है लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट है। लेकिन मेरा नंबर है। हाय को डरता है। हाय आओ। कहाँ लेट जाइए? नो नो लेकिन जी आप वहाँ लेट जाइए। कहाँ ना? जी वहाँ? जी हाँ। ओके ओके ऑल राइट।
लेट जाइए। लेकिन क्या तकलीफ है आपको? लेकिन सांस लीजिए, छोड़िए। लेकिन सुनिए, लीजिए, छोड़िए, छोड़िए। लेकिन सुनिए, आई एम वाई आई पटेल, योगेश पटेल। ओ आई एम सॉरी, आप मिस्टर पटेल, आप मुझे देखने आए हैं? उठिए उठिए। थैंक्स। ठीक है। यू नो एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंड वंस, देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 11:15 बज गया, 11:30 बजे मुझे राउंड पे जाना है। मेरा ख्याल है इतना वक्त बहुत होगा बातचीत के लिए, नहीं? भैया लेकिन क्या हम यहीं बैठ के? हाँ क्यों, बैठिए ना। ओके थैंक यू। ये क्या है? क्या कान के पीछे? वन मिनट ओफ, वन मिनट। क्या कर रही हैं आप? यहाँ इसके पीछे दाग है कान के। हाँ कैसा दाग? पता नहीं, वन मिनट। ये दाग कब से है? याद नहीं। अच्छा कुछ हो रहा है? क्या कर रही हैं आप यहाँ? यहाँ और आप प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? देखो अब तो मेरे लिए सबसे पहले पेशेंट हो, बाद में कुछ और। पेशेंट? और ये मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला पति किसी बीमारी का शिकार हो। लेकिन मुझे हुआ क्या है? मैं ठीक हूँ, I'm fine। इस बीमारी में शुरू शुरू में तकलीफ नहीं होती। ये आप क्या कह रही हैं? What's the matter, Hansa जी? I mean, doctor। ये दाग। हाँ दाग, उसका क्या? मिस्टर पटेल, ऐसे ही दाग कहीं और मतलब बॉडी पर है? नहीं, ख्याल नहीं। जरा याद करो। I don't think नहीं है। आग बंद करो जी, आग बंद करो। ओके आई सी, अभी सब कंट्रोल में है। मेरा ख्याल है मुझे अपने सीनियर डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, ये लीजिए और इसके पीछे जाकर कपड़े उतार कर चेक कीजिए कि कहीं कहीं और दाग तो नहीं है बॉडी पर, ठीक है? लेकिन डॉक्टर, उसके पीछे जाओ। कपड़े उतारो। ओके ओके। Thank you.
मिस्टर पटेल. या या कमिंग कमिंग या आई एम रेडी. डॉक्टर साधु मुझसे सीनियर हैं. कुछ भी पूछे बता देना, घबराना नहीं. हाय. मिस्टर वाई यू पटेल. वाई आई पटेल. दिखाइए जी, दिखाइए. आप अमेरिका में कब से? 5 साल से. वहाँ किसी अमेरिकन लड़की से रिलेशन है? रिलेशन? मेंटल, सेंटीमेंटल या फिजिकल? फिजिकल, यू नो डॉक्टर, इन अमेरिका नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? चिंता की कोई बात नहीं मिस्टर पटेल, अभी से प्रिकॉशन लेना चाहिए. प्रिकॉशन? लेकिन मुझे बीमारी क्या है? बीमारी? आप अपने सारे टेस्ट निकलवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन इससे मेरी मैरिड लाइफ में, यू नो, शादी के बाद कुछ नहीं. ओके. नो बट डॉक्टर, व्हाट आई एक्चुअली मीन इज, मेरी शादी के बाद मेरी होने वाली बीबी को कोई तकलीफ? कुछ नहीं. थैंक यू डॉक्टर. यू आर वेलकम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. टेक केयर. या Yeah, you too. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, doctor. Yeah, bye-bye. Thank you. Thank you. So, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ. क्या करूँ? मैं listen, ma'am, okay. Now, you listen, okay? Now, you listen to me. The point is... ये बात क्या है? Well, Okay. Oh, तो ये बात है? Hey, give it to me, please. Hey, listen, enough is enough, okay? Give it to me. Hey, hello? Hello? Mr. Patel. Yeah, yeah, coming. Yeah, I'm ready. Dr. Sadhu, मुझसे सीनियर हैं. कुछ भी पूछे बता देना, घबराना नहीं. No. Okay. Hi. Mr. Why you Patel? Why I Patel? दिखाइए. जी दिखाइए. आप अमेरिका में कब से? 5 साल से. वहाँ किसी अमेरिकन लड़की से रिलेशन है? रिलेशन? मेंटल, सेंटीमेंटल या फिजिकल? फिजिकल, यू नो डॉक्टर, इन अमेरिका नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? चिंता की कोई बात नहीं मिस्टर पटेल, अभी से प्रिकॉशन लेना चाहिए. प्रिकॉशन? लेकिन मुझे बीमारी क्या है? बीमारी? आप अपने सारे टेस्ट निकलवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन इससे मेरी मैरिड लाइफ में, यू नो, शादी के बाद कुछ नहीं. ओके. नो बट डॉक्टर, व्हाट आई एक्चुअली मीन इज, मेरी शादी के बाद मेरी होने वाली बीबी को कोई तकलीफ? कुछ नहीं. थैंक यू डॉक्टर. यू आर वेलकम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. टेक केयर. या Yeah, you too. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, doctor. Yeah, bye-bye. Thank you. Doctor ke samne itne ghabra kyun rahe the? Are you kidding? Ghabra nahi to kya karun? Aise kaun ladki mujhse shaadi karne wali hai? Koi na koi to kar legi. Really? Yes, Mr. Patel. No. Call me Yogesh. Aur main Hansa. Chalo let jao. Let jao. Okay. बस एक इंजेक्शन. ओके. सब ठीक हो जाएगा.
ऐसे क्या देख रहे हो? देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। क्या? आपकी हंसी। हाँ? ऐसी हंसी ना मैंने पहले कभी देखी ना सुनी। जरा और हंसी है ना। इसका क्या मतलब है? प्यार, प्यार और प्यार। हाँ? मैं तुम्हें इतनी पसंद आई। Of course. हर तरह से? By all means. आगे क्या इरादा है? Marriage? हाँ? आज ही फादर से कहता हूँ, no more interviews. My decision is final. Really? एक बात पूछूं? एक क्या, दस पूछूं? तुम इंडिया में रहना चाहते हो या अमेरिका में? Are you kidding? मुझे अभी दो साल में तो सिटीजनशिप मिल जाएगी और यहाँ रखा क्या है? I mean, कमाई। और वहाँ डॉक्टर लोग तो मिलियंस कमाते हैं, डॉलर्स, you know? I know. Why? Any problem? नहीं, छोटी सी। Shoot? मैं यहीं रहना चाहती हूँ। You mean here, India में? क्यों? यहाँ लोग नहीं रहते? No, रहते हैं, पर you know? I know, पर मेरी जरूरत यहाँ ज़्यादा है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। Well, okay, लेकिन तुम यहाँ, मैं वहाँ और मैरिज? I'm sorry, योगेश। Boy, boy। वृश्चिक कन्या का सबसे विशिष्ट लक्षण है उसकी शक्ति। उसे उसके लक्ष्य से युद्ध करना असंभव है। इस किशोरी को जीवन के साधारण प्रमोदों से बड़ी रुचि है। इस कन्या का स्नेह पूर्णिमा के ज्वार भाटे की तरह भरपूर होता है। वृश्चिक कन्या गंभीर प्रकृति के पुरुषों को पसंद करती है। पराक्रम उसे हमेशा आकर्षित करता है। हाय, वाई आई पटेल। हाय योगी। हु इज दिस? तुम्हारी दीवानी। कौन सा नंबर चाहिए आपको? मुझे नंबर नहीं, तुम चाहिए। एक और सनसनीखेज, हैरत अंगेज सस्पेंस। हाय योगी। हु इज दिस? आई लव यू। आई लव यू योगी। आई लव यू। एक तो थी अनिला कामदार और अब एक ये है योगेश के इश्क में दीवानी एक हसीना। भला कौन है? नाम नहीं, पता नहीं, पहचान के लिए है सिर्फ एक आवाज। आज का खेल यहीं तक, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।